जाता था, ये मदर बन गई हैं जो सबको फ्री में खिला रही हैं। इनफैक्ट मुझे तो किसी ने ये भी कहा था कि भाई आप लोग सड़क पे कर रहे हो, तो हमने कहा इट्स ओके, तो क्या हो गया, सड़क के अंदर आप उतना खर्चा कर, उनसे बोलो आप करके तो देखो, उस सड़क में आके तो देखो, उतना इन्वेस्ट करके तो देखो। आपा भी वधिया, उम्मीद करते तुम भी वधिया हो। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं क्या खाने, पिज़्ज़ा खाने। दो तीन लेडी हैं, मतलब एक शॉप है, दो तीन लेडी हैं वो रन करती हैं, और उनकी दुकान का असूल है कि उनकी शॉप पे सिर्फ लेडीज ही काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, फ्रेश डो पिज़्ज़ा मिलता है, उससे भी बड़ी बात बताऊं, वुड फायर ओवन में बनता है। 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पिज़्ज़ा, और स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी। मैं उनसे मिलवाता हूँ, कैसे बनता है, क्या प्राइस है, क्या इनकी स्टोरी है, उनसे बात करते हैं। चलो मेरे साथ। मेरा नाम है मीना बिष्ट और ये है अंजू बिष्ट। हम दोनों ही हाउस वाइफ हैं और हम दोनों की ही दो दो बेटियां हैं। हमने सोचा कि कुछ करें, क्योंकि मेरे हमारे हस्बैंड लोग जॉब नहीं चाहते कि हम लोग करें। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि कुछ नया करते हैं, तो उस पर आया कि हम पिज़्ज़ा का स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा डिफरेंट चाहिए था हमें, एक्चुअली वी डोंट वॉन्ट कि नॉर्मल सिंपल पिज़्ज़ा हो, हम चाहते थे हल्का सा डिफरेंट पिज़्ज़ा हो जो मतलब, और ऐसा स्ट्रीट फूड, एज ए स्ट्रीट फूड चाहते थे हम कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो एज ए स्ट्रीट फूड हो। 2017 में हमने स्टार्ट की थी, तब तो कुछ थे हमारे पास स्टाफ होता था, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई कि स्टाफ नहीं था, तो फिर मैंने अंजू को बोला, तब अंजू और मैंने मिलके फिर साथ काम करना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक हमेशा मतलब ये मेरे साथ रही है। बाकी अब हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि हम दोनों डिलीवरी भी खुद करने जाते हैं। हमारा जो बेस होता है वो फ्रेश होता है, बस सब्जियां हमारी बिल्कुल फ्रेश होती हैं और अच्छी जगह से ही आती हैं, और सेकेंडली 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कि लाइव होता है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई आके अगर उसके पास पैसे नहीं है या 30 रुपीज़, बच्चे भी कभी आते हैं कि भाई 30 रुपीज़ है या 20 रुपीज़ है, हम बाद में दे देंगे, खाने का मन है, इट्स ओके, हम कहते ले जाओ, वो भी हम मना नहीं है, वो भी हमारे पास आके खा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि कोई देता है, बट हम लोग देते हैं। इनफैक्ट सेक्टर 7 में जब थे तो हमें कहा जाता था ये मदर बन गई हैं जो सबको फ्री में खिला रही हैं, तो इस तरह से तो काफ़ी लोगों ने हमें उस समय मतलब ब्लेसिंग भी दी, खुश रहते थे, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे खिलाना। मैं यही कहूँगी कि आपको जो करना है ना वो आप करो, ये मत देखो अगला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इनफैक्ट मुझे तो किसी ने ये भी कहा था कि भाई आप लोग सड़क पे कर रहे हो, तो हमने कहा इट्स ओके, तो क्या हो गया, सड़क के अंदर आप उतना खर्चा कर, उनसे बोलो आप करके तो देखो, उस सड़क में आके तो देखो, उतना इन्वेस्ट करके तो देखो। तो वो चीज़ें आपको जो अच्छा लगता है करो। अभी हम डिलीवरी करते हैं तो बोलते हैं अरे डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, सो व्हाट, हम तो अच्छे से, हम तो जाते हैं डिलीवरी करते हैं, सब काम करते हैं, हमें वेल एजुकेटेड हैं, कस्टमर से फीडबैक भी अच्छा मिलता है कि भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें खुद डायरेक्ट बता सकते हैं। काफ़ी जेंट्स लोग आते हैं जो हमें सैल्यूट करके जाते हैं, लेडीज़ होके कितना काम कर रही हैं, और वो भी कहते हैं सुबह से लेकर, क्योंकि सेक्टर 7 में हमारा मॉर्निंग से स्टार्ट होता था, कभी कभी 11-12 भी बज जाते थे, तो वही अपनी वाइफ को भी कई लोग लेकर आए हैं, हमें मिलवाया, कईयों से तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, मतलब एक क्या बोलते हैं बॉन्डिंग, हाँ, कि वो अपने हर बार लाइक अ फैमिली मेंबर, तो नए फ्रेंड बने हमारे, तो अच्छा लगा हमें, काफ़ी लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग करो, जो मन करता है करो, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। इस COVID-19 में मैंने देखा है कि बहुत एजड अंकल होते हैं या आंटियाँ होती हैं, वो भी अकेले काम कर रहे हैं अपने शॉप में, मैंने बहुत देखा है, उनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है, तो मैं भी उनको ही बोलती हूँ कि देखो जब वो इतनी एज में आके काम कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ये हमारा टाइम है और हमें करना चाहिए। देख सकते हैं ये हमारा फ्रेश डो पिज़्ज़ा बन रहा है 50 रुपीज़ वाला, और सबसे खास बात बताऊँ वुड फायर में बनता है ये फ्रेश डो पिज़्ज़ा। मेरे ख्याल से तो दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा 50 रुपये में। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ना इलेक्ट्रिक ओवन में बनेगा ना ये गैस वाले में बनेगा, ये बनेगा वुड फायर ओवन में बनेगा।
तो इसकी प्रिपरेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। केवल 50 रुपए कीमत है। टॉपिंग जो है हम इनके पास तीन तरह की है, कोई भी आप ले सकते, चार तरह की, अनियन टोमेटो कैप्सिकम स्वीट कॉर्न, आप चारों में से कोई भी ले सकते हो। इसको ऐड भी कराना तो ऐड करा सकते हैं, हम इसके चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। ठीक है, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए वही रहता है 50 रुपीज़। मेरे को इनका ये नेचर बहुत अच्छा लगा कि जो जिनके पास पैसे नहीं है, मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ना पिज़्ज़ा और खाने का मन करता है, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, और जो टॉपिंग एक्स्ट्रा कराना चाहो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमारा गार्लिक ब्रेड और एक 50 वाला पिज़्ज़ा और एक इनका सैंडविच। सैंडविच भी देख सकते हो आप कितना डिफरेंट मार्केट से, मतलब ऐसा सैंडविच तो मैंने आज तक ना देखा है ना ट्राई किया कभी। निकालो मैम, ये मैम ने बाहर निकाल दिया, ये आ गया। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका फ्रेश डो पिज़्ज़ा, कीमत इसकी सुनोगे ना हैरान हो जाओगे, 50 रुपीज़ है। वुड फायर ओवन में बना ये, और ये इनका सैंडविच देख रहे हो कितना चीज़ी है। ओए क्या बात है जी, क्या बात है। इसकी कीमत जो है 300 रुपीज़ है। मेरे हिसाब से तो दो बंदों के लिए तो मामला सेट हो जाएगा। और इनकी गार्लिक ब्रेड, चिकन गार्लिक ब्रेड, स्टफ़ चिकन गार्लिक ब्रेड है इनकी, इसकी कीमत जो है 150 है। ये देखो जी, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं स्टार्ट 50 रुपीज़ से करूँगा। ये देखो जी क्या बात है जी, 50 रुपये में ऐसा पिज़्ज़ा पॉसिबल ही नहीं है जी, कहीं पे मिल जाए। ये देखो बहुत ही लाजवाब। इसमें चार ऑप्शन है, इसमें आपको कैप्सिकम चाहिए, अनियन चाहिए, स्वीट कॉर्न चाहिए, टोमेटो चाहिए, कोई भी टॉपिंग करवा सकते हो। और साथ में अब बारी आ गई है, ये देखो ये इसकी स्टफिंग दिखाओ अंदर, ये देखो जी हो स्टफ गार्लिक ब्रेड चिकन वाली। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी कंपनी होगा, गार्लिक ब्रेड इसके सामने फेल है। ये देखो जी, ये आपको पिज़्ज़ा लग रहा होगा, ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये सैंडविच है। मार्केट में आपने सैंडविच तो बहुत खाए होंगे, पर ये ऐसे फ्रेश डो वाला लोग जो बेचते हैं वो ब्रेड में बेचते हैं। ये देखो, ये देखो, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत हैवी है जी।
चीज़ बस पिज़्ज़ा बनता है ना वैसे इसकी प्रिपरेशन है, मतलब अंदर जो हम चीज़ टोटली चीज़ डाल देते हैं बट वो नहीं है, उसके अंदर जो सैंडविच के अंदर फिलिंग की जाती है सब्जियां वगैरह वो डाली हुई है, उसके ऊपर जो इनके ऑर्गेनो है चिली फ्लेक्स है। स्पाइसी नहीं खाना चाहते चिली फ्लेक्स के लिए इनको मना कर देना। अब मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ, इन्जॉय करने के बाद मिलता हूँ आपको। तो इनका फूड मैंने ट्राई किया, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने इनकी गार्लिक ब्रेड खाई, इनका मैंने सैंडविच खाया, पूरी वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, इनका 50 रुपीज़ वाला मैंने पिज़्ज़ा खाया, एक नंबर था, कह रहे ना एक नंबर। मैं आज तक ये बात नहीं बोली कि एक नंबर, बड़ी बड़ी कंपनियों को इनकी गार्लिक ब्रेड मात दे रही है। और थोड़ी लोकेशन की इनसे बात करते हैं। दीदी थोड़ी लोकेशन बताओ यहाँ की। लोकेशन हमारा सेक्टर 18 बी द्वारका में है, नियर मेट्रो स्टेशन द्वारका 13 है और ये अतुल्य चौक के पास आपको पड़ेगा। थोड़ा टाइमिंग बता दो यहाँ का क्या। टाइमिंग हमारा है समर्स में है 5 to 10:30, ठीक है, और विंटर में हमारा रहता है 2:30 to 10:00, ठीक है। तो किसी दिन ऑफ होता है, 7 डे ओपन है ना, तो 7 डे ओपन है। तो इनकी गूगल लोकेशन और इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो पिज़्ज़ा लवर है ना उनको उनके साथ जरूर शेयर करना और यहाँ पे एक बार जरूर आना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह कोई नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।